आपको बता दें, घटना हाथरस जिले के थाना कोतवाली सहपाऊ क्षेत्र के कुकरगवा गांव की है। यह बुधवार की सुबह खेत में शौच करके वापस घर लौट रहे गांव कुकरगवा निवासी राम खिलाड़ी के 45 वर्षीय पुत्र हेतराम, तीन हमलावरों ने अचानक से ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमलावरों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में हेतराम के हाथ में एक गोली लग गई, जिससे हेतराम घायल होकर खेत में ही गिर गया और बाइक सवार तीनों हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आनंद फानों में परिजनों ने घायल हेतराम को सीएससी सादाबाद में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल हेतराम को गंभीर हालत में आगरा के लिए रिफर कर दिया। वहीं हेतराम के परिजनों ने थाना कोतवाली सहपाऊ पुलिस को घटना के संबंध में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। थाना पुलिस ने तहरीर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ था आपको सर? मैं सुबह 5 बजे लैटरिंग करने गया था, वहाँ से वापस आ रहा था। जामिन के पेड़ के नीचे सती के उल्टी तरफ एक बोला था, उन्होंने से तीन लोग थे, एक बोल रहा था यही है भोसड़ी वाला, इसी में थे, गोली उसने छोड़ दी। लेकिन मैं अपने बचावट के लिए करवट से हो गया, वहाँ दीवार थी उसके सहारे हो गया था, बचावट जे करने में मेरी बगल में गोली लगी थी। सैपो का एक मामला है, क्या ये मामला? ये सैपो में आज एक सुबह केस रिपोर्ट हुआ, इसमें व्यक्ति ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी है, उसका मेडिकल कराया गया सादाबाद में और अभी वो खतरे से बाहर है, उसको आगरा रेफर कर दिया गया है और युवक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, विवेचना में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।